याद आई गई बे, नहीं तो फोन लगा दो सब्सक्राइबर है चैनल कितना सब्सक्राइबर का इतना बनाया भाई डायरेक्ट कैसे चली 1000 सब्सक्राइबर हो तो पॉइंट है 5 इनाया मेडिकल हारिस का पॉइंट है 4 तो साहबगंज पूर्वी कमईपुर डॉक्टर कासिम यहाँ पे मौजूद है। पहला सेट की टीम ने जीता था जबकि दूसरे सेट में मुकाबला जारी है और इस फाइनल के मुकाबले में मेन रेफरेंसी की भूमिका अदा कर रहे हैं जावेद साहब। आज इस पूरे वॉलीबॉल टूर्नामेंट में 2 रेफरी ने अपनी भूमिका निभाई है, सौरभ सिंह और जावेद साहब ने। बहुत ही अच्छा हाथ और अंक दिलाया अपने टीम को। इसके साथ ही साहबगंज पूर्वी कमईपुर का पॉइंट जहां पहुंचा 7 जबकि नाया मेडिकल किशोर हारिस का पॉइंट है 5। और मैं स्वागत करना चाहूंगा ओसामा का हमारे बीच में समय दे। ओसामा जी बहुत बहुत स्वागत। इस कार्यक्रम के माध्यम से अकरम साहब हैं, ये वो लोग हैं जो लगातार इस वॉलीबॉल टूर्नामेंट को ऊंचाई करना चाहते हैं और इसी बीच आउट करार दे दिए गए। आप देखिए खिलाड़ी यहाँ पर आउट करार दिए गए और अब इनाया मेडिकल हारिस का पॉइंट हुआ 6, वहीं पर साहबगंज पूर्वी कमईपुर का पॉइंट है 7, जिसके प्रोपराइटर हैं डॉक्टर कासिम। बहुत ही अच्छा हाथ आसिफ के द्वारा यहाँ देखने को मिला और रंग दिलाया अपनी टीम को इस महत्वपूर्ण फाइनल के मुकाबले में। इसके साथ ही कमईपुर का पॉइंट 8 और नया मेडिकल हारिस का पॉइंट है 6। राजीव तैयार एक बड़ा नाम वाली बाल की दुनिया का, बहुत ही शानदार सर्विस राजीव ने उठाया बाल को, बहुत ही अच्छा हाथ और मुश्किल था लेकिन उसको आसान बना दिया। राजीव का अच्छा रिसीव, बहुत ही अच्छा हाथ, फिर से बाल वापिस आई। राजीव ने इस पर मोहर लगा दिया पॉइंट का, अपने शानदार दक्षता, परवीरता और पारंगता का प्रदर्शन करते हुए अंक प्राप्ति किया टीम के खाते में। डॉक्टर परवेज के तरफ से और अशरफ हकीम साहब की तरफ से भी 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा अगर यहाँ पर साहबगंज पूर्वी कमईपुर की टीम विजेता बनती है खेले जा रहे फाइनल के मुकाबले में, तो 1000 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा अगर यहाँ पर कमईपुर की टीम विजेता बनती है फाइनल के मुकाबले में। हसन जी अंसारी हमारे बीच में है, उनका भी स्वागत किया जाता है कार्यक्रम के माध्यम से। बहुत ही शानदार मुकाबला चल रहा है। डॉक्टर कासिम जी हमारे बीच में आए हैं, आप देखें डॉक्टर साहब लगातार अपना समय दे रहे हैं। जब मैं इनके क्लिनिक पर गया था उसमें लगातार मरीज को देख रहे थे और अब यहाँ पर अपना समय दे रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, एक अच्छे डॉक्टर हैं और एक अच्छे वॉलीबॉल टूर्नामेंट के दर्शक भी हैं और खिलाड़ी भी रहे हैं। तैयार ये देखो मुस्कुरा रहे सब लोग यहाँ पर, मुस्कुरा डाले सभी के चेहरे पर इन शब्दों को सुनने के बाद। ऐसा न जाने क्या था शब्द में जो लोगों को मजबूर किया खिलखिलाकर हंसने पर। डॉक्टर साहब बहुत ही मकबूल हैं, आप लोकप्रिय हैं, बहुत पॉपुलर हैं, यही वजह है कि आपका शब्द आने के बाद लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और पॉइंट इसके साथ हुआ साहबगंज का पॉइंट, साहबगंज पूर्वी कमईपुर, डॉक्टर कासिम की टीम का पॉइंट 12 और इनाया मेडिकल हारिस का पॉइंट है 7। मैं आपको बता दूं कि पहले सेट का जो मुकाबला रहा वो 25 और 20 का, जिसमें साहबगंज पूर्वी ने 25 और 20 के मुकाबले में पहला सेट अपने नाम किया था और बीस साहिबान और पॉइंट इसके साथ ही अब 8। और आज हमारे बीच में लगातार अपना समय दे रहे हैं अब्दुल हकीम अंसारी जी, चेयरमैन पद के उम्मीदवार अब्दुल हकीम अंसारी। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा जनता के लिए तैयार रहते हैं, लोगों की समस्याओं को सुनकर उसका निस्तारण करते हैं, चाहे वो थाने का काम हो या फिर अस्पताल ले जाने का काम हो। अगर कोई भी आपके पास आता है तो आप पीछे नहीं हटते हैं उसकी सेवा करने में। तो ऐसे महान भावों के हाथ को मजबूत किया जाए आने वाले दिनों में। निश्चित तौर पर अगर आप आने वाले दिनों में अपने नेता का हाथ मजबूत करते हैं तो फिर निश्चित तौर पे आपका जो आने वाला कल होगा वो बहुत ही सुदृढ़ होगा, बहुत ही मजबूत होगा और बहुत ही कंस्ट्रक्टिव होगा। तो तमाम चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है। अगली सर्विस और यहाँ पर एक और पॉइंट हारिस के खाते में 11 पॉइंट और वहीं पर 12 पॉइंट है कमईपुर का, आप देखें 12 पॉइंट है और टाइम आउट किया गया इस मौके पर। बहुत ही शानदार मुकाबला चल रहा है फाइनल का, आप देख सकते हैं हमारे बीच में। ये देखिए डॉक्टर साहब नहीं जा रहे हैं सर, कहाँ जा रहे हैं सर आप? महफिल चर्चा, इशारा हो गया। तो इशारा हुआ सर्विस से, ये सर्विस और बढ़िया रिसीव और बढ़िया हाथ यहाँ पे और इंतजार करते रह गए लेकिन बाल आई नहीं, तड़पते रह गए शहबाज और तमाम लोग यहाँ पर, बाल नहीं आई। ये तमाम वो लोग थे जो बाल के आने के इंतजार कर रहे थे लेकिन किस्मत के मारे रह गए, बाल आई नहीं। फिर से तैयार और यहाँ पर पॉइंट मिल सकता है टीम के खाते में। और ठीक अगर पश्चिम की दिशा की बात करें तो आप देख सकते हैं जिन लोगों को आग से नफरत हुआ करता था, जो आग की तरफ देखना पसंद नहीं करते थे, आज वही आग को गले लगाए बैठे हैं। ये देखिए आप कुर्सी पर बैठे साहब और नीचे बैठे बड़े साहब, सबके सब इस समय अलाव का आनंद उठा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो इस समय ठंड के शिकार हुए हैं और अलाव से ठंड से बचने का उपाय तलाश रहे हैं। नगर पंचायत कटरा, मेदिनीगंज, प्रतापगढ़, हालांकि प्रतापगढ़ सही सीख नहीं गया है, आप देख सकते हैं। जो वाटर टाइम पे लिखा गया वो सही नहीं लिखा गया। पक्का अगर कोई बता दे सही लिखा गया तो आप बताएं, उस पे सही नहीं लिखा गया है। सही लिखा गया बताओ। ये कह रहा है कि गलत है, ठंडी का ज्यादा पड़ गया गलत है। और इसी बीच यहाँ पे पॉइंट इनाया मेडिकल हारी का पॉइंट 14 और साहबगंज पूर्वी पॉइंट है 14 पॉइंट बराबर। बढ़िया रिसीव, दो बार हॉकी देखिए क्या गजब कमाल उठाया है। इस खिलाड़ी की तारीफ करनी होगी, ऐसा लग रहा था कि मिट्टी खोदकर सोना निकाला हो। क्या बढ़िया अंदाज से बाल उठाया इस खिलाड़ी ने। और ये फाइनल का मुकाबला चल रहा है। ये है राजवीर, सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, मूल रूप से निवासी हैं, बहुत ही अच्छे खिलाड़ी वाली बाल के। खड़ा कर दिया बाल को सफलतापूर्वक। ये देखें, ये छलांग लगाकर उठाया गया बाल और ये इस बार राजवीर पहुंच नहीं पाए बाल तक। मौसम बनाया, कामयाब नहीं हुए। ये छोटे बालक से निवेदन है, ये कोई फुटबॉल नहीं है, ये वाली बाल है, आप पैर से ना मारें, ये सम्मान के खिलाफ होता है। ये वही छोटा बालक है जिसको ठंड लग रही। और इसी बीच एक और पॉइंट टीम के खाते में। अब साहबगंज का पॉइंट हुआ 16 और इनाया मेडिकल हाल का पॉइंट है 15। किस चैनल पे डालो भाई इसको? किस चैनल पे डालो? विलेज वॉलीबॉल चैलेंजर्स। लाइव भी चल रहा है। सर्विस को लेकर तैयार, कल मिलेगा बढ़िया सर्विस। हमारा नंबर यही वीडियो भेजना था भाई। हां और इसी के बॉल को यार भाई बात क्या है। और इसी बीच पकड़े गए खिलाड़ियों हाथों से और पॉइंट पेनल्टी के खाते में। स्कोर हो गया बराबर 16-16। ये देखिए अपना कम ना ज्यादा 16-16। हम बनाए हम मित्रों जो भर गया ना एक टाइम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ना। मुझसे कर लीजिए दावा यार। हां बिल्कुल लेवल हो गया, सही करें आप। बराबर वाले स्कोर 16-16 17-16। बहुत धन्यवाद जानकारी के, उन्होंने एक अंक बढ़ा करके बताया 17-16। 17 यहाँ देखिए कवईपुर और 16 है आली सफाई। तो आज 19 तारीख है, नवंबर का महीना, साल का ये 11वां महीना बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है। और आप जानते हैं कि ये जो महीना है नवंबर का, निश्चित तौर पर शुरुआत होती है ठंडी की। और नवंबर के महीने में आप देखें तो कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना भैया, भेज देंगे लिंक, सब्सक्राइब कर देना। ठीक। पॉइंट हुआ टीम के खाते में, कमईपुर का पॉइंट 17, इनाया मेडिकल हारिस का पॉइंट 18। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ये नवंबर का महीना है। नवंबर के महीने में अगर मैं बताऊँ तो 26/11 आज जैसे घटने को अंजाम दिया गया है। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि ये नवम्बर का महीना है, तो इस समय पूरे भारतवर्ष में आप देख सकते हैं 11 का त्यौहार भी बड़े धार्मिक हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। तो ये तमाम जानकारी आपको माइक्रोफोन के जरिए उपलब्ध कराई जा रही है। और साहबगंज का पॉइंट इस समय है पूर्वी, कमईपुर का पॉइंट है 17 और इनाया मेडिकल हारिस का पॉइंट है 18। 17 और 18 आइए मैं चारों लाइनमैन का नाम बता दूं। पहले लाइनमैन है जावेद और दूसरे लाइनमैन हैं सोनी, अर्शद, अफसान साहब हैं। बैक थोड़ा बीक है बस, बैक काउंटर सेंटर ब्लॉकर नहीं पटेल के मालिक अफसान आलम। और अच्छे हैं अफसान और लाइनमैन अफसान यहां पे सब अपने ग्राउंड पे हैं, हमारे ग्राउंड इधर वाले भी इधर। और एक और पॉइंट लेने में कामयाब। हां साइड लो। 19 पॉइंट हुए इनाया मेडिकल हारिस और 18 है साहबगंज। कहां जाओगे पूरी कमाई को देखो। ये सर्विस नहीं है क्या आसपास? हां यहां नहीं है आसपास में तो यहीं पे का बोलते हैं इधर है फूलपुर साइड में डेढ़ में है। नहीं डे नाइट है, मां दूध सब आएंगे सजदा वगैरह। देखो गेम अच्छी है। मिर्जापुर में भी कल है। अब सुबह हो रहा है कर कितना खेले यार। एक दो लोग खेलते हैं यार आए फोर व्हीलर से फोर व्हीलर लेके चला गया ना, जात की टू व्हीलर से हालत खराब हो गई। रोक के नहीं बनाते क्या? अब इसको एडिट करेंगे फिर इसमें हमने वो एडिट हिसाब से एडिट करते भाई। भाई करने वाले वो वीडियो लेके कहीं बना रहे हैं, वो सतवे में हैं, सब करते वही हैं, तो बना के देते हैं। हाँ दोनों लोग रहते हैं साथ में, टाइम लगता है। हाँ तो लाइव चलाते हैं, हम रिकॉर्ड करते हैं। सब भाई वीडियो में भेज दिया। पथरी होगी यहाँ यार, बड़ी समस्या होगी। साला बाथरूम सही सोचना रुक गया है एकदम। तो चलते हैं फाइनल के मुकाबले में, जहाँ पे मुकाबला जारी है और यहाँ 21 और 21 पॉइंट हो चुके हैं बराबर, यानी यहाँ पे एक और अच्छा प्रयास, एक और पॉइंट इसके साथ ही नया मेडिकल हरीश का पॉइंट हो गया 22-22। वहीं पर साहबगंज पूर्वी कमईपुर डॉक्टर काशिम की टीम का पॉइंट है 21। फाउल है ये, पूरा फाउल है। और मैं चाहूंगा कि रेफरी के ऊपर दबाव न बनाया जाए। I request to all the players of volleyball, don't put any pressure over the decision of our referee, because they have very special place in volleyball tournament. So please don't pressurize our referee, because our referee is quite experienced holder in the matter of justice and transparency. So our referee साहब से बिल्कुल इस विषय पर बात न करें। अकरम साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही साथ साकिब सलमानी इस वॉलीबॉल टूर्नामेंट में लगातार अपना समय दे रहे हैं। अगले सर्विस आता तैयार, ये सर्विस और बढ़िया रिसीव करने की कोशिश, बढ़िया रिसीव और एक अच्छा हाथ, बहुत ही लाजवाब रहा। बिल्कुल अद्भुत क्षमता वाला ये स्पेस। 23 पॉइंट इस समय कमईपुर डॉक्टर कासिम के टीम का पॉइंट और नया मेडिकल हारिस का पॉइंट है 22-22। कितना है? 22 है पॉइंट इस समय टीम का। और ये आवाज जो बच्चे की आवाज आई है वो आसिफ की आवाज थी। और अब साहबगंज पूर्वी कमईपुर का पॉइंट है 24-24, नया मेडिकल हारिस का पॉइंट है 22। अगले सर्विस का तैयार और ये देखते रह गए, ये देखा इशारा आया रेफरी साहब का। 24 पर रुका हुआ है, 22 और 24। छोटे छोटे बच्चे इस समय भाई बाल का आनंद उठा रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद आसिफ इसका नाम है। आसिफ ये बताओ पढ़ाई करते हो क्या? आसिफ छोटा बच्चा है, आसिफ हमारा नाम क्या है? मोहम्मद फैजान। पढ़ाई करते हो? ये देखिए इतना बड़ा मुंह फैला रहे हैं जैसे कुतुब मीनार का दरवाजा खुल जाए। ये देखिए आप बुलंद दरवाजा खोल करके रखी है। मैं बच्चों को कहता हूँ कि आप एकदम एक्टिव होकर के अपने काम को अंजाम दें। एक और मंच है आपके लिए और यहाँ से उठने का अवसर होता है। 24 और हारिस पॉइंट इस समय है 22। और ये देखिए नाम ही भाई इंतजार करते रहे, बॉल जाने का इंतजार करते रहे। और कहा जाता है कि निश्चित तौर पे कोशिश करने वाले वो कामयाब हो जाते हैं, इंतजार करने वाले राहें करते रह जाते हैं। ये देखते रहेंगे इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। बहुत ही अच्छा। और उसके साथ ही आप देखें यहाँ पर सफलता का द्वार खोल लिया है साहबगंज पूर्वी गवईपुर के जिले लगातार और बने ये विजेता। ये देखिए आप यहाँ पर साहबगंज पूर्वी गवईपुर के टीम के लिए विजेता 25 और 23 के मुकाबले में, पहले विजेता 25 और 23 के मुकाबले में। तो बहुत बहुत धन्यवाद कमईपुर के टीम को विजेता बनने के उपलक्ष्य में। बहुत ही शानदार जीत किया है कमईपुर के टीम ने। यहाँ पे आप देखें शानदार सफलता प्राप्त करके मेडिकल इनाया मेडिकल हारिस के टीम को प्राप्त कर फाइनल के मुकाबले में। तो बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुक्रिया कमईपुर की टीम। कमईपुर की टीम बन गई है विजेता। 2022 और 30 नवंबर दिन शनिवार को खेले गए रात दिन तक चलने वाले इस मुकाबले में लगातार दो से मैं आपको बताना चाहूंगा, पहला सेट था 25 और 20 और दूसरा सेट था 25 और 23 के मुकाबले में साहबगंज पूर्वी कमईपुर की टीम ने इस मुकाबले को जीतकर विजेता बन गई है। आप देख सकते हैं जनपद प्रतापगढ़ के मेदनीगंज के कटरा में खेले गए वॉलीबॉल टूर्नामेंट के फाइनल के मुकाबले में बन गई है।